ढोला पर जो संगति कर रहे पवन उजरई आगरा से, पैड पर जो संगति कर रहे वीरेंद्र भाई रोनीजा से, सुनेंगे दिल्ली का धमाका। मेरे बंधु हो, कलाकार बारी बारी से आपके बीच में आएंगे, आप लोग सुनेंगे, पर कवि ने अपनी कलम को उठाया और कवित में क्या लिखा। सही होते तो बे ढोल कर चीमटा एक साथ बजाते। छत जैसे सभी श्रोता गण होते तबे प्रभु के परम पद को। श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित जैसा। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, झिकड़ी की जो जननी है वो है साखी। सुनेंगे आप, दो लाइन की साखी है। सज के चलेगी बरा, अरे होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट रे ओ घटनो, अरे होगो तेरी दे। Bye.
मेरे बंधु हो, मुझे याद आया जैसे मैं कौन वो धृतराष्ट्र अपने राज में घोषणा कर देता है कि मेरे मरने के बाद में से राजघातकारी कौन बनेगा कि धर्मराज युधिष्ठिर। ऐसे शब्दों को कौरव दुर्योधन सुनता है, कह लगा कि मन में दुखी दुर्योधन है रो, के मन में दुखी दुर्योधन है रो, सोहरत है रही पंडर की और मोक कुसी जवई होगी जब चिता जरेगी। शो अंध भूप से बोलो बो पापी कुल घाती और मेरी भवक रही है। जब ये कहा और क्या कह रहा है, कहां तक शुरू पिताजी में और धर्मराज को राज दिलाने कभी न राजी के तो ताज धरो सिर मेरे के तो ताज धरो सिर मेरे ने भुजाए दंगो दियो बाती और मेरी भवक रही है। पर क्या कहा के अंधभूप ने कही कुमार सुर मेरी बानी और कर दे दिल से दूर ठान जो तैने मती बने अनजान सो मिलके रहो प्रेम से बेटा कहने हमारी। तुम भाई भाई है, भाव से रहो प्रेम से रहो। जब ये कहा कि पिताजी मैं हर बात को मानूंगा परमेश्वर बात को नहीं मान सकता, पर क्या कर रहा है अरे मानूंगा
अरे मानूंगा हरी बात को और सुनो श्री महाराज। अरे लेकिन मैं मानू नहीं रे भैया मिले धर्म कुरा सुंदर है। माटी के है कुमार से, अरे माटी के है कुमार से क्या कूदत है मोर, ये कदर ऐसा आए गोरे भैया मैं कूदूंगी तो एक बात है कि राजा बनाना है तो मुझे बनाओ, ऐसे गद्दी पर मुझे बिठाओ, अपने मस्तक से मुकुट को उतार के मेरे मस्तक पर रखो। जब ये कहा, बार बार कह रहा है कि बेटा ये अच्छा नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, पर क्या कर रहा है वो दुर्योधन। चले पांडवा के बाणा व्रत को चले पांडवा छोड़ गए राजधानी है और खबर परी जब वक्त विद्र को तो नैनन बरसे है के मानो रात दुखी वह मन में पेशन को ही जाती न्या सब की भवके रही है। विदुर जी रो रहे हैं, उनका एक सेवक है उसे बुलाते हैं और उस सेवक से क्या जवाब करते और क्या कहने लगे। La 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 la
कहा, अर्थ में बताया है, ना रात तेरा कोई जान सके भैया सेवक, ना रात तेरा कोई जान सके वो रहना रात छिपा करके, ना हाल तेरा कोई जान सके वो रहना हाल बना करके। सो लीजो काम सखा बुद्धि से मत बनियो उत्पाती, मेरी भवक रही है। बेदुर जी जवाब करते, ऐसा भेष बना के रहना तुम्हारे राज को कोई जान ना सके, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां के रहने वाले हो, ऐसा भेष बना के रहना। पर हुआ क्या, बेदुर जी रो रहे हैं, क्या कहा, अगर आज हमारा भैया होता तो ये अंधा बेईमान नहीं बनता। रो रहा है, जितने यहां पर योद्धा बैठे हैं सभी मौन साधे हुए बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म है पिता, सुनेंगे शोजी सुनो द्रियोधन को हा। अरे खुशी में और खुशी में झूम रहा चोला, और प्रोचन मंत्री से बोला, पर इसके साथ साथ बताया है ये तो चिल्लाना है। हे जनक जनक मोरी बाजे पायलिया, जनक जनक मोरी बाजे पायलिया, अम्मा की डार पे बोले रे कोयलिया,
बहुत बहुत धन्यवाद।